394 रुपये। ये तो दवा बोले देने के लिए लंबा दवा चल रही लग रहा है। अरे इतने में तो लखनऊ से हम घूम आते हैं, इतने रुपए में जितना लग गया इतना लखनऊ से ले आते हैं। का दवाई तो लखनऊ दवाई है, दूसरा थोड़े दी है आपके, ये थोड़ा लखनऊ डॉक्टर कहीं और पड़ गया था, कहीं और दवाई दवाई हर जगह वही मिली। हाँ बात ये आदमी रिस्पॉन्स बोले वो दवा दो, दवा ले लेना, बाकी हम सोमवार को आएंगे तो भैया आपके साथ। मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा है और ग्राम बड़वा जो चमरूपुर है। हम मालिया स्वास्थ्य केंद्र से दवा लाने के लिए गए थे अपने बैंक का, तो वहाँ पे डॉक्टर फारूक अमर अब्दुल्ला ने हमको एक जांच लिखा, जो जांच 1200 रुपये का था। उसमें जो टाइफाइड का जांच था उसको ला के उनको दिखाया, उन्होंने 21 दिन दवा चलाने की बात कही, इसमें 2100 रुपये की दवा उन्होंने बताया। हमने कहा था तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वो बोले ठीक है 5-5 दिन की दवा ले लीजिए। और जो हम रिपोर्ट लेके आए उस रिपोर्ट में केवल एक रिपोर्ट से दवा दिया गया, जो CBC का कंपलसरी रिपोर्ट था उसका आज तक डॉक्टर ने देखा नहीं, उस रिपोर्ट को देखा नहीं। केवल टाइफाइड की दवा से हमको 1500 रुपये की दवा 5 दिन की दी। तीसरी बार जब हमने दवा लाने गया तो वहाँ पर बोले कि आप काम कीजिए, एक दवा ले लीजिए, 2 दवा बाहर से ले लीजिए। 2 दवा बाहर मिलता नहीं, एक ही दवा देके उन्होंने 15 दिन की दवा कंप्लीट किया। आगे से बोला डॉक्टर साहब आप पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमारे पास जो सुविधा है वो दे रहे हैं, आगे जो आपको करना है जाइए करिए। तो हमने बोला सर हमारा रिपोर्ट गलत है, एक रिपोर्ट इसमें आसपाक नाम लड़के का दिया हुआ है, उसी रिपोर्ट पे हमारी बहन का दवा इन्होंने चला रहा है 15 दिन, मतलब दूसरे की रिपोर्ट पे आपकी, दूसरे की रिपोर्ट पे 15 दिन की दवा चला। ये जब उनके पास हमने गया कहा सर ये गलत है, तो उन्होंने बोला कि क्या करिए, तो PGI में भी गलत हो जा रहा है, मेडिकल कॉलेज में भी गलत हो जा रहा है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा सर ये गलत चीज़ है, उसको अगर कोई दूसरी बीमारी है वो दवा हमारी बहन को आप चला रहे हो तो इससे उसका क्या हो सकता है, अगर उसके खिलाफ कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो उन्होंने कहा जाइए आप विधायक के पास जाइए, सांसद के पास जाइए, उसकी दुकान बंद करवा दीजिए। ऐसा यहाँ के ये डॉक्टर है, डॉक्टर फारूक अमर अब्दुल्ला। अच्छा ये बताइए आपकी बहन सही हुई? अभी तक नहीं सही हुई हमारी बहन, अभी वही प्रॉब्लम है। एक बात मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है ऊपर से ही सिस्टम से गड़बड़ चला रहा है, मतलब जो है अब जब यहाँ पे डॉक्टरों से मैंने बात किया और लोगों से मैंने बात किया तो ये पता चला कि 100 रुपये यहाँ पे जो है 8,500 रुपया उसका क्या बोलते हैं डिलीवरी वाला, उसका मंथली लिया जाता है। डॉक्टर सुजीत पांडे इसमें शामिल है, ये तो ये इस भ्रष्टाचार को आज के डेट में मैं सेमो साहब से बात किया हूँ कि आज के डेट में जो भी रहा होगा पहले मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर आज के डेट में अगर किसी भी गरीब असहाय मजबूर किसी के साथ भी अगर इन लोगों ने ठीक से इलाज नहीं किया या किसी से 10 रुपये या किसी तरह का कोई भी घूस लिया तो इनके लिए इनकी इन्हीं के भाषा में इनको समझाया जाएगा जैसा भी होगा, क्योंकि बहुत हो चुका है, मतलब जो है इनको कानूनी बात